out loud. I'm pushing through the crowd to get towards it. Heart is beating through my eyes. It shakes the world. I'm walking through it. Lost inside my mind. I'm breaking, but I'm not awake to feel it. So hi everyone. अभी आप टाइम देख रहे हो कितना हो रहा है. इट्स एग्जैक्टली 12 और आज बहुत स्पेशल डे है. यू नो व्हाट, लेट्स सी. सेठ जी का बर्थडे है. इट्स वंडर सेंस बर्थडे और ये रहा केक. स्वागत है आप सबको मेरे चैनल पे. मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त. आइसक्रीम केक. आइसक्रीम केक ना, आइसक्रीम लॉग केक. लॉग केक एक वुड के ब्लॉक को काट के मतलब वो टाइप का फीलिंग दे रहा है. सो ये थोड़ा एक्चुअली मेल्ट हो रहा है, देखो. तो इसको जल्दी से खाना पड़ेगा. मैं तो अपना बर्थडे ऐसे ही वीडियोज़ देख के मना रहा था, बट राइडिंग के वीडियोस बट या. और ये एक वैलेंटाइंस का फूल. सॉरी ये सब मैसअप है, हम लोग घर के कपड़ों में है. सो बट थोड़ी देर बाद हम लोग नॉर्मल आ जाएंगे. तालिया. आइसक्रीम और केक को मिक्स किया हुआ है और उसमें वॉलनट्स और क्या क्या है पता नहीं, बट इट इज अमेजिंग. मैंने जिंदगी में पहली बार ऐसा केक खाया. इट इज सो सैटिस्फाइंग. बैड न्यूज इज दैट मेरा 30s शुरू हो गया है. इट्स ओके. वैसे मेरे को देख के लगता नहीं है कि मैं 30s का हूँ. अरे नहीं लगता है, वो बोल रहा हूँ. तो हो गया ना. हाँ तो अभी 30s का हो गया, अभी 20s खत्म. बट ठीक है, और बहुत कुछ करने का अपने को. 20 to 30 आपका यूथ टाइम रहता है. फ्रॉम 30 to 40 ये आपका काम वाला टाइम रहता है. यू हैव टू वर्क हार्ड इन योर लाइफ, यू हैव टू अर्न, यू हैव टू बी समथिंग एंड यू हैव टू डू वॉट एवर यू कैन. बिकॉज 40 के बाद फिर लाइबिलिटीज बहुत बढ़ जाती है, आपकी एज भी बढ़ जाती है. लॉट ऑफ थिंग्स चेंज. नाउ इज द टाइम 30 to 40 इज द लाइफ. एक्चुअल जो अडल्टहुड लाइफ है वो एंजॉय करने की और बहुत कुछ करने की, बहुत सारा पैसा कमाने की, बहुत सारे अच्छे काम करने की और आप लोग को एंटरटेनमेंट देने की. चलो इसको खोलते हैं. भावना होनी जरूरी है. भावना. अरे बाप रे बाप. I got it. तो आप देख सकते हैं. अभी भी अगर आपको नहीं समझा तो ये देख के समझ जाओ. ओके. क्या बात है. अभी ये सब लेटर्स है. सो आप कुछ भी लिख सकते हैं और कुछ भी डाल सकते हैं. आई थिंक ये अमेजोन पे भी मिलता है ना. अगर आपको भी लेना है, किसी को गिफ्ट करना है, तो मैं एक लिंक अगर मुझे मिली तो मैं दे देता हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में. यू कैन गो एंड बाय. लास्ट ईयर यही टाइम पे मेरे बर्थडे के दिन वी गॉट एंगेज्ड. बाय द वे हमारे एंगेजमेंट का भी एनिवर्सरी है. सो हैप्पी एंगेजमेंट एनिवर्सरी. एक साल हो गया है. गोइंग स्ट्रांग. यस. थोड़ी बहुत नोकझोंक होती रहती है बट गोइंग स्ट्रांग. उतना तो चाहिए. तो आपका बर्थडे बॉय हो चुका है तैयार. अभी प्रॉपर वाले तैयार नहीं हुए हैं. दिस इज आफ्टरनून. दोपहर के बजे है 1:30 और हम लोग जा रहे हैं गजानन महाराज के मंदिर. मेरा बर्थडे और मैं इसको गिफ्ट दे रहा हूँ. ओपन नहीं करने. नवरा असल तो रस्ता ये है. मैंने कच्छ में लिया. आओ तो ज्यादा बड़ा नहीं है. डेंजरस है बट ज्यादा बड़ा नहीं है, एक उंगली जितना ही है. सेफ्टी के लिए मैंने ये लिया है. आप लोग को व्लॉग्स में दिखेगा अगर आपने नहीं, वो व्लॉग अभी तक आए नहीं है. यस, वो भी दिखा हुआ है. लगा. अरे नहीं वो ब्राइट अभी ये लाइट अभी ये लाइट की वजह से थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है. बट ठीक है सर दिख गया ना आपको, मालूम है ना आपको. चलो वीडियो में दिखाओ. अरे ऐसा नहीं करते, वीडियो में दिखा ना. ऐसा दिखा के कर. अरे कितना मस्त आ रहा है उसको. प्रॉपर ही करना. See, I guessed it right.
वायरलेस हेडफोन्स। तो एक्चुअली इसके पास नहीं थे, मेरे पास है जो उसी ने मुझे दिए है, और फिर वो जब भी ऑफिस जाती है किधर भी जाती है तो उसको कॉल्स उठा नहीं पाती व्हाइल राइडिंग हर एक्टिवा, नहीं उठाना चाहिए बट इमरजेंसी पे, और कभी कभी म्यूजिक व्यूजिक सुनना चलता है उतना, बट दोनों कान में नहीं लगाने का, सिर्फ लेफ्ट वाले कान में लगाने का और वॉल्यूम कम रखने का। ओके ठीक है। वाओ तो तेरा मंगलसूत्र घावल तो घावल तो नहीं घालो तो घालो घालो तो खाओ राइट। वैसे आज एंगेजमेंट की एनिवर्सरी, आज एंगेजमेंट की एनिवर्सरी के अवसर पर मंगलसूत्र और ये बोट का मंगलसूत्र, ये मैग्नेटिक है बा नहीं हो जाए मैं भी मला। तो चलो हो चुकी है बीवी खुश, तो थैंक यू बोल। गर्मी चालू हो गई ना मुंबई में बहुत। अरे वो छुरा ऐसा खुला नहीं रखने का, ठीक है रुकेंगे नहीं मैं। Later that same evening. अभी ओवाड़ा में बोलते, हिंदी में क्या बोलते रहे ओवाड़ा में, आरती आरती उतारेंगे, तो अभी मैडम साह हमारी आरती उतारेंगी। और ये रहा नया टी शर्ट जो मैडम ने ही दिया है, और बस अपन वही है, अपना बालों का स्टाइल होता नहीं है तो जैसे है वैसे ही, उतने ही अच्छे हो जैसे उतने ही अच्छे हैं। अरे बाबा लग लो आराम से यू दे। अरे नहीं सिर पे कुछ रखना पड़ता है ना, ए रुमाल टिश्यू नहीं तो कुछ तो रखना पड़ता है ना, तो अपने बस यार अच्छे खासे टोपी है अपने बस, थोड़ा सामान में निकालनी पड़ेगी ऐसा सब्सक्राइबर ने दिया हुआ जो अहमदाबाद के हमको मिले थे, उन्होंने बहुत अच्छा ये दिया यार मिल्क केक, तो स्पेशली इसको बहुत ज्यादा पसंद आया। हां मुझे बहुत पसंद आया। फाइन डाइन जाना है आज, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू, नमस्कार करूंगा चलता है। वैसे रिस्पेक्ट दिल में भी हो तो बहुत है, और क्या बात है। चलो लेट्स गो। चलो सो अभी हम जा रहे हैं कुलाबा, वहाँ पे दो तीन अच्छे खासे रेस्टोरेंट हमने शॉर्टलिस्ट किए, मतलब बेसिकली उसने शॉर्टलिस्ट किए, वहाँ पे जाके देखते हैं कि कौन सा सही लगता है। वैसे एक तो मुझे सही लग रहा है तो भी देखते हैं। हाउ इज द वेदर इन मुंबई? इन मुंबई महाराष्ट्र इट्स 27 डिग्री सेल्सियस विद ड्रियरी स्काइज। ऑल राइट सो हम लोग आए हैं कुलाबा, यस, और वो वैले पार्किंग की है। अभी थोड़ा सा अजीब लगता है किसी और को चाबी देना गाड़ी की, बट चलिए। रीना नहीं महफीज वो साइड में, वो साइड में ठीक। सो हम लोग आ चुके हैं अरेबिक दुनिया में, थोड़ा अंदर कुछ ज़्यादा ही अरेबिक है, थोड़ा बाहर ही बैठेंगे थोड़ा फ्रेश लगेगा। वो वाला डांस वाले, हाँ बस वही बाकी था, बस वही बाकी था। प्लेस इज नाइस, ये देखो। तो यहाँ पे एक और रेस्टोरेंट है मरीना डेक, वो ऊपर है मतलब बाजू में, उधर से व्यू अच्छा मिलता है, बट यहाँ पे खाना थोड़ा यूनिक है, वहाँ पे थोड़ा नॉर्मल खाना मिलेगा। ये एकदम अलग वैरायटी का है, मोरक्कन अरेबिक और क्या क्या है। अब इसमें से कैसे समझेगा क्या खाना है? ए हमस है इधर, अजीब से डिशेज मंगाया है, मैं तो पहली बार ये सब देख रहा हूँ। कौन से क्या क्या मंगाया अपन ने? चिकन शीश तो ये किधर है? टर्किश पिज्जा है, हैंड स्ट्रेच्ड चिकन शर्मा भी है 375 रुपए का बापर। सो आ गया है लेवेंटाइन चिकन हैंड स्ट्रेच्ड पिज्जा राइट। तो ओ माय गॉड गाइस दिस इज अल्टीमेट। कैसा है? इसके अंदर हमस है आई थिंक, चिकन शीश तो या, और ये भी हमस है, ये कुछ है चटनी जैसा, ये भी कुछ चटनी जैसा है,
लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव, काफी जूसी लग रहा है, हमस में डुबा के खाएंगे इसको। अरे ये भी है, लुकिंग गुड। इधर फोटो काटो ना गाड़ी का, गाड़ी सोबत काटो ना, गेटवे ऑफ इंडिया वो वहाँ पे हो रहा, वहाँ पे भी अच्छा फोटो आएगा। सो शी इज ड्राइविंग, देख सकते मसकली को एकदम वाइट। अरे तो चली जा रही है, ये तो रुक भी नहीं रही है। इधर फोटो के लिए रुकना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पर वो दिखना भी चाहिए ना उतना दूर का। ये रहा ताज, सनरूफ के पूरे पूरे फायदे। तो ऐसा कुछ दिखता है कुलाबा रात को, एकदम शाम सुम कुछ भी नहीं है, सब कुछ बंद। राइट नाउ इट इज व्हाट 11, 9 बजे एक्चुअली सब कुछ बंद हो गया था जब हम लोग आ रहे थे, सिर्फ रेस्टोरेंट्स खुले हैं, दैट्स इट। तो बहुत सारे पिक्चर्स में गाइस आपने ये देखा होगा, ये मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज का रोज का रास्ता था, मैं बाइक से जाता था मोस्ट ऑफ द टाइम्स। सो वडाला ये वाला रोड, मोनोरेल वाला रोड, तभी अभी मोनोरेल कुछ थी भी नहीं, सिर्फ ये रोड ही था, ईस्टर्न फ्रीवे तो बिल्कुल भी नहीं था, और मोनोरेल का जस्ट काम चालू हुआ था फर्स्ट ईयर को, फर्स्ट ईयर है सेकेंड ईयर को। ऑलराइट, सो सेम प्रॉब्लम अगेन, कैमरा का मैंने मेमोरी कार्ड डाल दिया लैपटॉप में और उससे डायरेक्टली एडिटिंग चालू है बिना कॉपी किए, तो प्रॉब्लम हो जाएगी अगर उसको निकाला तो फिर से पूरा करना पड़ेगा, इसलिए आई एम एंडिंग द वीडियो थ्रू माय फोन, वाइड एंगल से एंड कर रहा हूँ एक्चुअली, वाइड एंगल से। मे भी आपको थोड़ा ज़्यादा लग रहा होगा, मे भी थोड़ा वेट लग रहा होगा, पता नहीं, फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ। सो आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, मतलब बड़ा ही था थोड़ा बहुत, बट एक ऐसी थोड़ा मुझे शेयर करने की इच्छा हुई, मेरे बर्थडे की मेमोरीज भी बन जाती है, डॉक्यूमेंट हो जाती है और अच्छा लगता है। शादी के बाद पहला बर्थडे था तो काफ़ी स्पेशल फीलिंग भी थी और बस बढ़िया है। 30 साल का हो गया हूँ अभी ये जो एज है आगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट एज है मेरे लिए, ये मुझे अभी रियलाइज़ हो रहा है थोड़ा बहुत। तो आई थिंक आई शुड वर्क मोर हार्ड ऑन माई सेल्फ, माई करियर, माई गोल्स, माई एम्बिशंस, माई पीपल, और निगेटिविटी दूर मुझे रखना है जितना भी हो सके उतना। निगेटिविटी हर जगह है गाइज, निगेटिविटी अपने हाथ में नहीं रखना है, अपने लोगों को संभालो, जो लोग आपसे प्यार करते हैं उनको संभालो, वर्क टूवर्ड्स योर लाइफ एंड मेक इट बेटर, यस डे बाय डे, एंड दैट्स इट। बाकी तो आप लोग सब समझदारी हो, आप लोग को सब पता ही है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, अपना जो रन ऑफ कच्छ का जो सीरीज है वो चलेगा, ये वीडियो बीच में डालना पड़ा बिकॉज बर्थडे आ गया, तो एक्चुअली मैं ये कल ही डालने वाला था बट थोड़ा एडिटिंग नहीं हो पाई ज़्यादा, इसलिए दिस थोड़ा सा लेट हो गया, बट कोई बात नहीं। मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में रन ऑफ कच्छ के, तब तक खुश रहो, आबाद रहो, और ये ढोंग ढोंग हो रहा है ना, ये इधर शादी का टोल बज रहे हैं, थैंक गॉड अभी एक स्वीट टाइम मिला मुझे जिसमें ज़्यादा आवाज़ नहीं हो रहा है। सो या